Love story, पूरे 9 months की. तो where is she? Sarangdhar, let's go. काव्या जी, आपको DDS के बिल में हेल्प चाहिए थी ना हमारी? मतलब वो जोड़ने घटाने में इनको मदद. हाँ हाँ हाँ, राइट राइट. हाँ, मुझे सारंग की हेल्प चाहिए. ओके, यू कर लीजिए, मैं मीटिंग करके आती हूँ. जी. तुमने हमको याद रखा, माय चाइल्ड. मैं तुम्हारी इंटरव्यू देखती रहती हूँ हमेशा. अपनी क्लास को भी बोला, आलिया श्रॉफ तुम मेरी स्टूडेंट है. मैं तुमसे मिलना चाहती थी, बट आई थॉट शायद तुम्हें याद नहीं होगा. यू रिमेम्बर, तुम्हें हिस्ट्री लेसन बिल्कुल पसंद नहीं थे. एंड नाउ आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय चाइल्ड. अगर पेरेंट्स प्रॉपर अटेंशन ना दें तो बच्चे हमेशा ही आउटलाइन में चले जाते हैं. और तुम्हारी तो मम्मा, तुम्हारी मम्मी जब तुम्हें छोड़ के चली गई थी तो तुम कितनी क्वाइट रहती थी. एंड नाउ यू आर सो सक्सेसफुल. ऑनेस्टली मैम, आई एम थैंकफुल. मेरी नॉट सो गुड चाइल्डहुड ने मुझे काफी लाइफ लेसन सिखाए और उसी की वजह से आज मैं स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हूँ और आगे चलकर एक बहुत अच्छी माँ बनूंगी, अनलाइक माय ओन मदर. बेटा, बच्चों से मिलने के लिए क्लास में आओगी ना? ऑफ कोर्स मैम. ये मेरा कार्ड है, आप प्लीज मुझे कॉल करेगा और बताइएगा कि कब आना है. आई वुड लव टू मीट देम. मैम, अब मेरी एक मीटिंग है. आई विल सी यू लेटर. बाय मैम. जब तुम बड़ी होगी तो जरूर समझोगी बेटा कि एक बुरी शादी की वजह से मुझे तुम्हें छोड़कर क्यों जाना पड़ा. आलिया,
कोई चांस? आप रुकी थी मेरे लिए? आप मुझे छोड़कर चली गई थी नंदिनी शर्मा? अपनी 5 साल की बेटी को छोड़ के चली गई थी आप? हमें नहीं करना ही नहीं चाहिए था, गलत ही कर दिया हमने। सारा लिसन, अंदर बैठते हैं, ठीक है? नहीं बैठ सकते अभी हम। देखा नहीं हमने आलिया जी कितनी परेशान थी, आंखें भर आई थी उनकी। नहीं नहीं बैठ सकते अभी हम। सारम, I'm sure she'll be okay. शर्मा जी माँ है आलिया की, वो संभाल लेगी। नहीं संभाल पाई तो क्या करेंगे? आलिया जी ठीक नहीं है, अभी जिस हालत में है वो, ये सब उनके लिए सही नहीं है। हमने दोनों को इसलिए मिलवाया क्योंकि हमें लगा आलिया जी को अपनी माँ की जरूरत है अभी। जैसे रो के गई है जिस तरह से परेशान थी वो अपनी मम्मा को माफ नहीं करोगी? I'm really sorry, आलिया। आपकी सॉरी क्या मेरा वचन बदल सकती है? पता, लोग कहते हैं कि चाइल्डहुड जिंदगी का सबसे बेस्ट फेज होता है, लेकिन मैं अपने बचपन के बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ। जब डर के रात को उठ जाती थी तो अपनी पिलो को हग करके रोती थी। क्या आप उस डरी हुई बच्ची को सॉरी बोल सकती है? जब मुझे लग जाती थी तो आप या डैड नहीं होते थे मुझे दवा लगाने के लिए, डैडी मुझको दवा लगाती थी। स्कूल में मेरे दोनों पेरेंट्स नहीं आते थे, कभी नहीं, द एनुअल डे पे, द स्पोर्ट्स डे पे, सारे बच्चे मुझे बुली करते थे। क्या आपकी रिग्रेट उस बच्ची की मेमोरीज को चेंज कर सकती है? यू नो, आई स्ट्रगल टू स्माइल, आई कांट लाफ। क्या मैं किसी को ट्रस्ट करती हूँ? नहीं, भगवान को भी नहीं। मैंने कितना प्रे किया था कि आप लौट के वापस आ जाओ, जब आप नहीं आई तो आई स्टॉप प्रेइंग। आलिया डोंट, फिर बिल्कुल ठीक कह रहा था। आई एम एम्प्टी, मुझे इमोशंस फील ही नहीं होते। और अगर किसी के लिए मैं कुछ फील भी करती हूँ तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती हूँ। चाहती है क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी तरह मुझे छोड़ के चला जाएगा। किसी को आउट ऑफ कंसर्न हग करना क्या होता है मैं ये भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि जब मुझे किसी की जरूरत थी मेरे साथ कोई नहीं था। आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी और डैड वो तो सिर्फ गिफ्ट भेजते थे। सॉरी आलिया, आलिया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा आया? अब शर्मिंदा है? तब शर्मिंदा नहीं थी जब मुझे छोड़ के जा रही थी? इतनी बड़ी पनिशमेंट क्यों दी आपने मुझे? जब मुझे छोड़ के जा रहा था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? आलिया मैं जाती हूँ, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। आप मेरी मॉम नहीं है। Stop saying that. मेरे पास आपके लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं है। अगर मुझे पता होता कि आप शर्मा जी, मैं यहाँ कभी आती ही नहीं। कितनी बेशर्म है आप! इतना सब कुछ किया आपने और उसके बाद आप मुंह उठा के यहाँ चली आई। आपको क्या लगा था मैं आपको माफ कर दूंगी? जिस दिन आप मुझे छोड़कर गई थी उसी दिन आप मेरे लिए मर गई थी। लिसन टू मी केयरफुली, आपके और मेरे बीच में ना कोई रिलेशन था और ना ही कभी होगा। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूं। आलिया जी, आलिया जी, हम गाड़ी चला दी। मूव सारंगधर, मूव सारंगधर। हम नहीं हटेंगे आलिया जी, हम सारंगधर, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। मूव, हमें पता है, हम बाद में माफी मांग लेंगे, हमें चलाने दीजिए गाड़ी। मैं तुम्हें दोबारा फायर कर दूंगी। जस्ट मूव। आलिया जी आप ऐसी स्थिति में कैसे गाड़ी चलाएंगे? प्लीज हमें चलाने दीजिए।
हेलो आलिया, तू कहाँ पर है? सुन, मुझे तुझसे मिलना है. तू ऑफिस पर है या घर पर? आप यहाँ कभी और मिलते हैं, अभी मैं अकेला रहना चाहती हूँ. आलिया, आलिया तू ठीक तो है ना? सुन, मैं अभी आ रही हूँ. तो राबिया प्लीज, तो अभी मैं अकेला रहना चाहती हूँ. ठीक है, तू आराम कर, कल मिलते हैं. आलिया जी, आलिया जी, आलिया जी, सॉरी आलिया जी, पहले आपकी बात ना मानने के लिए और अब जो हम कहने जा रहे हैं उसके लिए. आलिया जी, दर्द की गांठ जितनी कसेगी उतना ही दर्द होगा, छोड़ दीजिए. सारंगधर, जस्ट स्टॉप. अली शर्मा जी की एक बार बात तो सुन लीजिए, उन्हें अपनी गलती का एहसास है और हम दूसरा मौका तो अपने दुश्मनों को भी देते हैं, वो तो फिर भी आपकी माँ है. मैं नंदिनी शर्मा के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ. आलिया जी, आलिया जी, हमारी बात सुनिए. सारंगधर, प्लीज लीव मी अलोन. कैसे छोड़ दें आपको अकेले? और आपको लगता है आप अकेला छोड़ के चैन से हम घर जा पाएंगे? देखिए आलिया जी, जिस तकलीफ से आप गुजर रही हैं, शायद हम उस तकलीफ से तो नहीं गुजरे, पर जो भी छोटी मोटी परेशानियां, जो भी तकलीफें हुई हैं, उसे हंसते हंसते पार इसलिए कर पाए क्योंकि साथ देने के लिए कोई था. अकेले नहीं थे हम, और अभी आप मां बनने वाली हैं, आपको वैसे ही अकेला नहीं छोड़ सकते हम. और हमें पता था कि शर्मा जी आपकी मां है. हमें लगा इस समय आपको अपनी माँ की जरूरत होगी, इसलिए हम. तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम मेरे लिए डिसीजंस लो? तुमने भी मुझे धोखा दिया. आलिया जी, हमारी बात तो सुनिए, हम आपको. अव्य जी, आप. आलिया कैसी है? ठीक नहीं है वो. उन्हें लगता है कि हमसे भी उन्हें धोखा ही मिला है. और तुम इस बात से परेशान हो? हमने उन्हें दुख पहुंचाया काव्य जी, हमारी वजह से वो तकलीफ में, और हम उन्हें ऐसा नहीं देख सकते. सारंग, हमारी गलती नहीं है. तुम तो सिर्फ आलिया को उसकी माँ से और शर्मा जी को उनकी बेटी से मिलवाना चाहते थे. तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे थे सारंग. क्या फर्क पड़ता है, हमारी वजह से वो तकलीफ में और पूरे रास्ते रोते हुए आई हैं वो. हम अपने आप को ना उनके आंसुओं के लिए कभी माफ नहीं कर पाएंगे. सारंग, क्यों लफा? दर्द इतना तभी चुभता है सर, जब वो इंसान खास हो. खास? ये क्या कह रही है काव्या जी आप? हम और आलिया जी, अरे हम ऐसा सोच भी नहीं सकते. हर रिश्ता प्यार का नहीं होता काव्या जी. आपको प्यार हो गया तो आपको सिर्फ प्यार ही सूझ रहा है. हमारे और आलिया जी के बीच में कुछ नहीं है. दो लोग दोस्त भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना जरूरी नहीं है. काव्या जी,
ऐसा एक दिन नहीं किया जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। मैंने हर एक दिन रिग्रेट किया है आलिया। राबिया, आलिया क्या हुआ? तू ठीक है ना? अब बैठा हूँ। क्या हुआ आलिया, तू ठीक तो है ना? ऑफिस में कुछ हुआ? नंदिनी शर्मा मिली थी। और वो सारंगधर, मुझे उनसे मिलना ही नहीं था। आई डिडंट वांट टू मीट हर। डीडीएस अपनी गिफ्ट्स गैलरी में कुछ पेंटिंग्स ऐड कर रहा है और उसके लिए सारंगधर ने शर्मा जी को रिकमेंड किया था, हिज फ्रेंड शर्मा जी। आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि वो मिस्टर शर्मा, आई डिड नॉट नो कि वो नंदिनी शर्मा है। मुझे पता तो मैं कभी जाती ही नहीं। अपनी लाइफ के इस चैप्टर को मैंने बंद कर दिया था। हाउ कुड ही? मेरी पर्सनल लाइफ में वो कैसे इंटरफेयर कर सकता था? Who does he think he is? Who the hell is he? तेरे बेबी का डोनर। हाँ अलिया, सारंगधर ही तेरे बेबी का डोनर है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.